यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से जो एक 1.5 हफ्ता पहले अपडेट आई थी कि आप विजिट वीज़ा इनसाइड द कंट्री चेंज नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, या विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा चेंज नहीं कर सकते, आपको लाजिम एग्ज़िट करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे लोग जो विजिट वीज़ा लेकर आए हुए थे, विजिट वीज़ा पर थे, और वो मेंटली तौर पर एक रिलैक्स थे कि हमारा 1-2 हफ्ते के बाद या 2-3 हफ्ते के बाद वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और हम यहाँ इनसाइड द कंट्री विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर लेंगे, या अगर उनको जॉब मिल गया तो हम वीज़ा स्टेटस चेंज कर लेंगे। लेकिन अचानक से जो दुबई वालों को छोड़ के अबू धाबी, शारजा, अलैन किसी भी स्टेट का, उन्होंने दुबई को छोड़ के, तो इन्होंने सडनली अचानक से एक न्यूज़ दे दी कि आप इनसाइड द कंट्री विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते या विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा चेंज नहीं कर सकते, आपको एग्ज़िट लाजिम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि आप सबको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बाय बस बॉर्डर टू बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अब ओमान या सऊदी जाकर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि आपको अगले हफ्ता, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक आपको सीट सी नहीं मिल रही बाय बस, क्योंकि जिनका तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है वो भी ऑलरेडी परेशान हैं कि हम क्या करें, तो उन्होंने ऑलरेडी सीट्स बुक कर दी हैं हफ्ते के बाद के लिए बस की, ताकि आप वो इंटर एग्जिट करके वो इंटर कर सकें ओमान या सऊदी से। यहाँ पर एक और मसला भी है कि जब आप बॉर्डर टू बॉर्डर एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, अगर आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप यहाँ से एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो एग्ज़िट करने के बाद इसका खर्चा कितना आ रहा है, वो मैक्सिमम 650 से 850 दिरहम तक खर्चा आ रहा है बाय बस। ओके, यहाँ से वो भी ये डिपेंड करता है कि अगर यहाँ से आप एग्ज़िट करते हो तो आपका 2 दिन के बाद वीज़ा एक्सपायर हो चुका है विजिट वीज़ा, तो आपने एक्सटेंड करना है, तो वो विजिट वीज़ा कितने दिनों में आता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, वो आप जहाँ ओमान या सऊदी में रहेंगे तो वो खर्चा अलग से होगा। और जिनके पास तो पैसा ज़्यादा है तो वो अगर बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो फ़्लाइट का कोई इशू नहीं है, फ़्लाइट आप किसी भी टाइम, कल या परसों किसी भी टाइम बुक कर सकते हैं, उसमें सीट्स बुक नहीं है ऑलरेडी। ये मैं बस बस की बता रहा हूँ कि ये बस की जो ऑलरेडी सीट्स 2-3 हफ्ते का बुक है। अगर बाय चांस अब आपको कोई किस्मत के साथ अगर कोई मिल जाती है तो वो आपकी लक है। अब बाय एयर कितना खर्चा आ रहा है, वो मैक्सिमम 1,000 से 2,000 दिरहम तक खर्चा आ रहा है, यहाँ से फ़्लाइट बुक करके वहाँ पर जाना, फिर वहाँ पर रहना, खाना पीना, फिर वहाँ से फ़्लाइट बुक करके वापस आना, तो ये मैक्सिमम 1,000 से 2,000 दिरहम तक खर्चा आ रहा है। और मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का अभी तक वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, तो जो तो जिनका तो दुबई से इशू है उनका तो प्रॉब्लम नहीं है, वो इनसाइड द कंट्री चेंज कर सकते हैं अपना विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा। अगर तो अबू धाबी या शारजा वालों यहाँ से इशू हुआ है, तो अगर आपका विजिट एक्सपायर होने वाला है तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश करें, अपनी सीट्स बुक करें ताकि आप एग्ज़िट करके वापस इंटर कर सकें। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे सीट्स बुक होती जाएंगी और आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, फिर आपको यहाँ रहना पड़ेगा, फिर उसका जो डेली डेली फाइन आता है, अभी वो पहले 100 दिरहम था, अभी वो 50 दिरहम हो गया है विजिट वीज़ा के लिए, तो हाँ एक दिन का विजिट जो 50 दिरहम, फिर दूसरे दिन 100 दिरहम हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा ये, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप बेहतर है कि आप जितना जल्दी हो सकता है आप अपने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड कीजिए और एग्जिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको किसी किस्म का सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है अपने इंस्टाग्राम का लिंक और आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।